बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 24 ऑफ फॉर्मल मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने जो टू लेक्चर थे हमारे 22nd और 23rd, उसमें हमने इंडस्ट्रियल की बेसिस के ऊपर के जो इंडस्ट्री में फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से उसको डिप्लॉय किया जाता है और उसकी इंटीग्रेशन क्या है, वो जितने रूल जितने मेथड जितनी चीज़ें थी वो हमने इन डिटेल डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे कि फॉर्मल मेथड्स के जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं। तो लास्ट जो लेक्चर जो लास्ट टू लेक्चर्स थे वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने इंडस्ट्री में काम करना है, उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक करना है, आपने अपनी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ उसको डिप्लॉय करना है। तो हमने फॉर्मल मेथड्स के बेनिफिट्स देखे थे, ड्रॉबैक्स देखे थे, उसकी लिमिटेशन देखी थी, उसके रूल्स देखे थे, ठीक है। तो वो हमने लास्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। उसमें भी हम इसमें भी जो इस लेक्चर के अंदर भी अब जो लेक्चर 24, 25 और जो 26, ये जो तीन लेक्चर्स हैं इसके अंदर भी हम अब रियल टाइम डिफरेंट मैथमेटिकल कंप्यूटिंग की और इंडस्ट्रियल की एग्जांपल्स देखेंगे जो फॉर्मल मेथड्स में यूज़ होती हैं, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से लेके जाना है। जिस तरह हमने जो 22nd और 3rd के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, वैसे ही अब इन लेक्चर में हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल टच देखेंगे कि उसको इंडस्ट्री के साथ किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसको इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से लिंक किया जा सकता है, उसकी लिंकेज किस तरह है, ठीक है, क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जो हमारा आज की जो फर्दर थ्री लेक्चर्स हैं, मतलब आज का नेक्स्ट एंड सो ऑन, उसमें हम अपने डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमने हमने जो अभी तक पढ़ा है हमने उसमें यही कहा है कि ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी आर्गू एंड एनालाइज द कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग फॉर्मल टेक्निक्स, ठीक है। हमने यही कहा था कि कंप्यूटिंग की जो हमारे पास एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट आर्गूज की है, उसमें हम किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को किस तरह फॉर्मल टेक्निक्स के साथ मैनिपुलेट करते हैं। फिर हमने अपनी प्रोग्राम्स की स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन देखी थी कि जी कि हम डिफरेंट हमने जो लास्ट लेक्चर थे कि उसकी स्पेसिफिकेशन हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कि उन तमाम जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसको रीड करने के लिए, उसकी रीडेबिलिटी बेहतर करने के लिए और उसकी डिफरेंट वेरिफिकेशन की क्या टेक्निक्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम देखे थे कि हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ईच स्टेप जो है उसमें हमने ये कहा था कि हमारा जो ईच स्टेप रिटन इज़ वैलिड एंड लीड टू अ करेक्ट सोल्यूशन आर अ लेजिटिमेट सोल्यूशन, कि हम अपना जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन करें, हम अपना जो भी प्रोग्राम डिफाइन करें, जो उसमें हमारी सोल्यूशन है वो लेजिटिमेट सोल्यूशन हो, वो एक वैलिडेट सोल्यूशन हो और वो रियल टाइम इंडस्ट्री के साथ लिंक हो। नंबर ऑफ़ टूल्स एंड टेक्निक्स आर अवेलेबल, अब बहुत सी हमने टेक्निक्स से की थी, बहुत से टूल्स भी आपके अवेलेबल हैं जो हम अपने फॉर्मल मेथड्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से लिंक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने इन चीज़ों को स्टडी किया था कि टेक्निक्स क्या है, वेरिफिकेशन किस तरह की जाती है, स्पेसिफिकेशन किस तरीके से ली जाती है, फिर आपकी जो फॉर्मल टेक्निक्स क्या क्या हैं, उन टेक्निक्स को लिंक किस तरह किया जा सकता है, उन टेक्निक्स को इंटीग्रेट किस तरह किया जा सकता है। तो इसी को हम आगे थोड़ा सा जो कंटिन्यू करते हैं। अब कैन वी प्रॉपरली टेस्ट द सॉफ्टवेयर, आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताया है कि जो हमारा लेक्चर है वो भी इंडस्ट्रियल बेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका राइज होता है, कैन वी प्रॉपरली टेस्ट द सॉफ्टवेयर, क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोई रूल हैं, कोई मेथडोलॉजीज हैं, कोई टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की बेसिस के ऊपर हम उनको रियल इंडस्ट्री में प्रॉपरली टेस्टिंग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, हम किन किन प्रोसीजर्स को यूज़ करके उसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन करते हैं, ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि ऐसे क्या रूल्स हैं। फेमस सेइंग
डिक्स्ट्रा एक एल्गोरिदम है जिसके जिसने बनाया था OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हमारे इंटरनेट के ऊपर ऑलमोस्ट 60-70% जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी जो हमारी पाथ सिलेक्शन है, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है, वो सारे का सारा डिक्स्ट्रा के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। बाय टेस्टिंग वी कैन ओनली प्रूव द प्रेजेंट ऑफ बग, नॉट द एब्सेंस ऑफ बग। ठीक है, मतलब हम जब डिक्स्ट्रा को अपने सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ करते हैं, वैसे तो इसने OSPF डिज़ाइन किया और जो OSPF है वो हमारे 80% तक भी कहते हैं, लेकिन 60-70% सेफ साइड हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो डिक्स्ट्रा यूज़ होता है। ठीक है जी, अगर आप OSPF यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि बाय टेस्टिंग वी कैन ओनली प्रूव द प्रेजेंट ऑफ बग, नॉट द एब्सेंस ऑफ बग। हम उसकी जो प्रेजेंस है उस बग की, हम उसको प्रूव करते हैं, हम उसकी एब्सेंस को नहीं देख रहे। इन ऑर्डर टू प्रूव मैथमेटिकल थ्योरम, काउंटर एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड। अब हम इसमें जो हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो उसको हम जब हम आपस में प्रूव करेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रूव मैथमेटिकल थ्योरम, काउंटर एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड, वो जितनी भी इसमें एग्जांपल्स हमें दी हैं, नंबर वन क्या है कि ऑल नंबर्स आर लेस दैन 1000, कि जितने भी आपके नंबर हैं वो आपके लेस दैन 1000 होने चाहिए। यू कैन आइदर प्रोवाइड फॉर्मल प्रूफ आर काउंटर एग्जाम्पल, आप इसमें फॉर्मल प्रूफ भी कर सकते हैं या हम इसमें अपनी काउंटर एग्जाम्पल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अवर हेड विद टेस्ट केसेस, हम जिस तरह हम अपने यूज़ केसेस बनाते हैं, ठीक है, अपने उसमें डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कॉलेशन डायग्राम, इंट्रेक्टिव डायग्राम, तो हम इसमें अपने डिफरेंट टेस्ट केसेस भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नॉट पॉसिबल टू राइट ह्यूज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, लेकिन स्मॉलर टेस्ट केसेस हम डिफाइन कर सकते हैं। हम इंटरप्राइज लेवल के ऊपर यहाँ पे अपने टेस्ट केसेस जो है डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि राइट ह्यूज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स आज के लेक्चर में है, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की गई और इसके जो डिफरेंट आंसर्स हैं वो आज हम इंशाअल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं टेस्ट केसेस से। टेस्ट केसेस वेस फॉर्मल मैथड, FM स्टैंड फॉर फॉर्मल मैथड। टेस्ट टू इक्वल स्ट्रिंग्स, देखिए अब हमने पहले भी कुछ चीज़ें देखी थी, जो आपकी इक्वल स्ट्रिंग्स होती हैं टेस्टिंग की, हम उनकी बात यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इज इक्वल कैट कमा डॉग, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉल्स, ठीक है। अब आप ये देखें कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैट और डॉग दोनों इक्वल है, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो अब हमने ये टेस्ट कंडीशन थी इसको हमने वैलिडेट किया, ठीक है, और वैलिडेशन के बाद हमने जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यही है, दैट इज़ फॉल्स, इट्स नॉट पॉसिबल कि कैट इज इक्वल टू डॉग और डॉग इज इक्वल टू कैट। देन इज इक्वल हमें कहो टेस्टिंग कामा टेस्टिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट टू, डेफिनेटली टेस्टिंग के इक्वल है, हम अपनी टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट टेस्टिंग मेथड के साथ उसको लेजिटिमेट करके उसको हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल आ सकती है, लिहाजा हमने ये कह दिया कि टेस्टिंग और जो इक्वल टेस्टिंग एक्सपेक्टेड आउट टू। फिर हम कहते हैं इज इक्वल हाउस कामा होम, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउट ऑफ फॉल्स, के यानी घर और मकान जो है ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वी कैन टेक एंड वी कैन वेरीफाई यूजिंग दीज टेस्ट केसेस ऑफ आवर फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तो हम इन टेस्ट केसेस को अपने फॉर्मल मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं, इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं, और अगर लेजिटिमेट नहीं है तो किन पैरामीटर्स के ऊपर लेजिटिमेट नहीं है, वैलिडेशन रूल्स क्या हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अपनी जो 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 हमारी टेस्ट केसेस की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करके हम इसके साथ लिंक कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को लेके चल सकते हैं। अब हम अपनी एक यहाँ पे एक
एक हमने अपनी प्रोग्रामिंग की देखते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, सॉरी कि इक्वल इज इक्वल टू, ये आपकी क्या है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। ये सी प्लस प्लस का फंक्शन है, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, सी पढ़ी होगी कि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो लाइक 1 2 3 4 जो भी है इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ टू। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो जो 1 है, अगर वो इक्वल है आपकी स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग लेंथ है वो दूसरी स्ट्रिंग के, अगर वो इक्वल आ रही है तो इफ इक्वल है तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई कामा आई लेस देन और स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग जो लेंथ और जो ये स्ट्रिंग 1 है ये अगर इसके इक्वल है, हम यहाँ पे क्या एडिशन की बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग 2 के इक्वल है तो फिर हम क्या कहते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ, आई लेस देन स्ट्रिंग लेंथ देन स्ट्रिंग 1, और जो जो आपका आई है वो लेस देन है स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग 1, और फिर हम क्या कह रहे हैं इस पर आई प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक कंडीशन थी। हम इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि हम आई को इनिशिएट कर रहे हैं 0 के साथ, और फिर हम ये कहते हैं कि जो आई है वो आपका लेस देन है स्ट्रिंग लेंथ और ये आपकी स्ट्रिंग 1 है, और हम इसको क्या कर रहे हैं आई प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। कि और फिर हम क्या कहते हैं कि इक्वल इज़ इक्वल टू जो आपकी स्ट्रिंग 1 है, जो आपकी स्ट्रिंग 1 है आई इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2 आई, ठीक है। फिर हम उन अगर वो लूप की कंडीशन यहाँ से ट्रू होती है, लिजिटिमेट होती है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इक्वल इज इक्वल टू स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 आई, और हम वापस रिटर्न क्या कर रहे हैं, इक्वल यानी आई 0 है अगर ये इससे लेस देन है, ठीक है। अगर ये इससे लेस देन है जो आई है तो वो आई प्लस प्लस करे, और ये तब तक करता रहे जब ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल ना हो, और हमें वापस वो क्या चीज़ यहाँ पे रिटर्न करेगा, वो इक्वल रिटर्न करेगा। तो ये बेसिक छोटी सी आपका छोटी सी लूप सी प्लस प्लस की जो आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अपने जो प्रोग्रामिंग के कोर्स को पढ़ा होगा उसकी एग्जाम्पल है कि हम इसको किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, क्योंकि हम ये थोड़ी थोड़ी मैं पहले आपको हिंट्स इसलिए दे रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा चीज़ रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि फिर हमने आगे इंडस्ट्रियल इनको लिंक करना है इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स के साथ। सम फिनोमेना कैन बी सीन विद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम अपने जो हमारा फिनोमेना है हम इसको अपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के साथ किस तरह देख सकते हैं कि यूजेज ऑफ फ्लो ग्राफ टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, के हमारे पास जो हमारा फ्लो ग्राफ है, ठीक है, वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो ग्राफ, उसमें सीक्वेंस आती है, उसमें सिलेक्शन आती है और लूप आती है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं जो, ठीक है, जो भी हमारे फ्लो ग्राफ के बनते हैं उसमें सीक्वेंस है, उसमें सिलेक्शन है, उसमें लूप है, ये 3 पैरामीटर हैं जो हम जो है यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूपिंग, ठीक है। हम अभी आपको पता होगा कि सीक्वेंस कैसे करते हैं, इफ़ एल्स इफ आपने, ठीक है, फिर आपके पास फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है, ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करते हैं। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो फ्लो ग्राफ्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है कि ये डाटा यहाँ से जा रहा है, इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये डाटा आप देख रहे हैं, तो ये डिफरेंट पाथ्स हैं डाटा आपकी मूवमेंट की, ठीक है। यहाँ पे डाटा आपका किसी और तरीके से मूव हो रहा है, यहाँ पर आपका डाटा किसी और तरीके से मूव हो रहा है, तो ये हमारे फ्लो ग्राफ्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने DFT भी पढ़ी होंगी जिसको हम डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, जिसमें हम अपने डिफरेंट लेवल्स यूज़ करते थे, लाइक लेवल 0 है, उसमें लेवल 1 है, उसमें लेवल 2 है, उसमें लेवल 3 है, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके डाटा फ्लो डायग्राम हैं, और डाटा फ्लो डायग्राम को हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पर जो इसकी एग्जाम्पल आ रही है जो आपके सामने, ये जो आपकी एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आप की जो है फ्लो ग्राफ के हवाले से है कि जो
आपके डिफरेंट फ्लो ग्राफ्स हैं जिनके थ्रू आपका डाटा मूव कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ये उसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं और ये इसकी डिफरेंट मूवमेंट है कि वो किस तरीके से कैसे मूव कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट। तब ये हमारे पास इसी के स्टेप्स हैं, हम इन तमाम स्टेप्स को देखते हैं। ये स्टेप वन है, देन टू है, देन थ्री है, फोर है, देन फाइव है, देन सिक्स है। ठीक है, और सिक्स के बाद आप देख रहे हैं कि ये लिंक नहीं है। अगर टू है तो टू से जो है ये आपका थ्री है, तो थ्री से सेवन है और टू से एट है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक हमारे पास बबल सॉर्ट फ्लो ग्राफ है। ठीक है, आप लोगों ने सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, क्विक सॉर्ट आपने पढ़ा होगा, रेडिक्स सॉर्ट पढ़ा होगा, बबल सॉर्ट पढ़ा होगा, आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अपना देखते हैं बबल सॉर्ट फ्लो ग्राफ। तो जो हमारे पास बबल सॉर्ट फ्लो ग्राफ है वो हम उसको किस तरीके से रन करते हैं, आप देखें, हम करते हैं स्टोर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, हमने यहाँ पे इसको स्टोर किया है और ये हम इसको क्या कहें कि ये इसको हमने फॉल्स से हमने इसको स्टोर कर दिए। वाइल नॉट इक्वल टू सॉर्टेड, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सॉर्टेड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, मैंने इसको स्टोर किया दिया, सॉर्टेड जो है वो फॉल्स के बराबर है। वाइल नॉट इक्वल टू सॉर्टेड, ठीक है, तो अब अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो फिर हमने क्या कहा है कि सॉर्टेड इज इक्वल टू, यानी पहले हमने जो सॉर्टेड है इसको हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि वो फॉल्स से इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है कि हमने सॉर्टेड को फॉल्स के इक्विवेलेंट जो अज्यूम कर लिया है, और फिर हम ये कहते हैं कि वाइल नॉट इक्वल टू सॉर्टेड, वो अगर नहीं है तो सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू। सो सॉर्टेड के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू ज्यूम करनी है वो हमें ट्रू कर दी। फॉर इंटीजियर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और आई लेस देन साइज माइनस वन, तो अब हमने यहाँ पे आई को जो है वो हमने ज़ीरो ज़ीरो का जो आपके पास है वेरिएबल उसके साथ आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया। और आप क्या कहते हैं कि जो आई है वो साइज माइनस वन हो, और ब्रेसिस आई प्लस प्लस कर दिया। फिर आप कहते हैं कंडीशन है कि इफ़ ए ब्रेसिस आई ग्रेटर देन ए आई प्लस वन, अगर ये ए आई जो है वो ग्रेटर है ए आई प्लस वन से, तो हमने इसकी क्या करनी है, इसकी स्वैपिंग करनी है। और वो जो स्वैपिंग है वो क्या है कि ए आई अगर वो ग्रेटर है ए आई प्लस वन से, तो सॉर्टेड को हम किसके अंदर सेव कर रहे हैं, हम उसको फॉल्स के अंदर सेव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अब ये एक सिंपल टेक्निक सी बबल सॉर्ट का, क्या आप देखें कि बबल सॉर्ट का जो अल्गो है या जो उसका प्रोग्राम है, ठीक है, जो उसका फ्लो है वो किस तरीके से है। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमने जो फर्स्ट किया है फॉल्स वाई हमने किया नॉट इक्वल टू, तो फिर हमने सॉर्टेड को फिर हमने सेवन कर दिया है कि अगर वो नहीं है तो फिर तो एट है, फिर तो सॉर्टेड है, यानी वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा उसको कर दे, और अगर वो ज़ीरो है तो फिर उसका साइज चेक करेगा, फिर माइनस वन, फिर प्लस प्लस करेगा। तो इस तरीके से ये उस एक स्पेसिफिक रे को जो है वो कंपेयर करेगा, अगर उसके साथ है तो फिर वो क्या करेगा, तो अब फिर वो स्टेप आपका करेगा फोर करेगा, फिर वो स्वैप करेगा, फिर वो फाइव स्वैप करेगा। तो अब इस ये एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम अपनी सॉर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास कंप्यूटिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो ये एक उसकी छोटी सी एग्जांपल थी कि हम अपने फ्लो ग्राफ्स को किस तरीके से जो है फॉर्मल मेथड के साथ जो लिंक कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी जो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की जो लॉजिक थी हम वो क्या है कि हम क्या कहते हैं कि बेस अपॉन फ्लो ग्राफ्स वी ट्राई टू राइट टेस्ट केसेस टू टेस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो ग्राफ। यानी अब इस जो हमने यहाँ पे ये अपना फ्लो ग्राफ इसको यूज़ किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस फ्लो ग्राफ को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि बेस अपॉन फ्लो ग्राफ्स वी ट्राई टू राइट टेस्ट केसेस टू टेस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो ग्राफ। यानी हम जब इसको लिख रहे हैं कि ये जो हमारा फ्लो ग्राफ है, हम क्या कहते हैं कि वी ट्राई टू राइट, हम इसमें टेस्ट केसेस राइट करते हैं टू टेस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है,
जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके फ्लो ग्राफ के, उन तमाम को टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे, तो उसमें जो लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग है वो क्या है कि थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट कवरेज दैट वी हैव व्हेन यूजिंग फ्लो ग्राफ्स। यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट कंडीशंस आ रही हैं वो हम क्या बात कर रहे हैं कि वी हैव, हम जब हम इसमें तीन टेस्ट कवरेज आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपका है वो आपका स्टेटमेंट कवरेज है, सेकंड आपका ब्रांच कवरेज है, और थर्ड आपका पाथ कवरेज है। ये हमारे पास तीन टेस्ट हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इन तीन टेस्ट के अंदर आप देख रहे हैं जो आपके पास स्टेटमेंट कवरेज है, वी मेक श्योर दैट एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। यानी हम इसके अंदर इस चीज़ को श्योर करें कि जो हमारे पास के वी मेक श्योर दैट एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन, कि वो जो स्टेटमेंट है वो एक दफ़ा लाजमी जो है एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और ब्रांच कवरेज में हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई ब्रांचेस एंड ट्राई टू टेस्ट ऑल द ब्रांचेस। हम इसमें जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको ट्राई करते हैं तमाम को टेस्ट करने के लिए। और पाथ कवरेज क्या है कि एग्जीक्यूट ऑल पॉसिबल पाथ एंड देन राइट टेस्ट केसेस। के अब जितने भी मतलब पॉसिबल पास हैं हम उन तमाम को एग्जीक्यूट करें और उसके बाद अपने डिफरेंट टेस्ट केसेस को इसमें राइट करें। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो फिर आपके फ्लो ग्राफ्स हैं वो उसकी तीन ठीक है, उसके थ्री पैरामीटर्स हैं। हम एक तो उसमें अपने स्टेटमेंट कवरेज को देखेंगे, हम अपनी ब्रांच कवरेज को देखेंगे और हम अपनी पाथ कवरेज को देखेंगे। इसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाली इस स्लाइड में ये जो एग्जांपल थी, अब इस एग्जांपल को हमने कैटेगराइज किया है, ये डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? नंबर वन हमने स्टेटमेंट कवरेज में डिफाइन किया है, हमने इसको ब्रांच कवरेज में डिफाइन किया है, और हमने इसको पाथ कवरेज में डिफाइन किया है। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट कंडीशन थी जिसके अंदर हमने इसकी डिफरेंट टाइप की डिवीजन की है इन तीन स्टेटमेंट्स के लिए। अब आप देखें कि पाथ कवरेज अवर एड, अब आप इस फ्लो चार्ट को देखें कि वन देन टू, ठीक है, और देन फोर, और अब ये देख रहे हैं वन थ्री, और ये आपका वन से फोर, और ये आपका वन से फिफ्थ पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम जो अपनी पाथ कवरेज का अवर हेड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम क्या कहते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी हम यहाँ पे एक इंटीजर आई ले रहे हैं जिसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं ज़ीरो के साथ, और हम ये कह रहे हैं कि आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अगर आई आपका एन से लेस है तो हमने इसको प्लस प्लस कर देना है। और अब ये बस इफ़ कंडीशन वन, अब जो आपकी टेस्ट कंडीशन है जिस बेसिस के ऊपर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो टेस्ट कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, और उस कंडीशन के बाद आपकी सर्टन स्टेटमेंट्स होंगी। अगर ऐसा हो तो आपने प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस, जो भी आपके सर्टन स्टेप्स हैं जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इन कंडीशंस को हमें ट्रू कर देना है। तो वो जो आपकी कंडीशन है उस पर आपके जितने भी आपके टेस्ट हैं उनको आपने किस तरीके से करना है। एल्स अगर नहीं है तो सम स्टेटमेंट जो आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, फिर सम स्टेटमेंट और फिर फाइव। यानी अब आप देखें कि यहाँ पे हमने जो अपनी कंडीशन दे दी है, हम उस कंडीशन के बाद अपनी सर्टन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। वो जो सर्टन स्टेटमेंट्स हैं अगर वो लेजिटिमेट हैं तो फिर क्या करें, अगर वो लेजिटिमेट नहीं है तो फिर क्या करें, ठीक है, और फिर ये क्लोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हाउ मैनी पास आर देर फॉर एन आइट्रेशन। अब हमने जो अब इस तरह का क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आ सकता है, आपका इस तरह का क्यूज हो सकता है, आपके असाइनमेंट में आ सकता है कि यहाँ से अब हमने पाथ कवरेज में क्या फाइंड किया। अगर आप बैक साइड पर जाएँ तो हमने ये थर्ड वाली जो एग्जाम्पल है जो पाथ कवरेज, जिसमें हमने क्या कहा था कि एग्जीक्यूट ऑल पॉसिबल पाथ्स एंड देन राइट टेस्ट केसेस, के जितने भी पॉसिबल उसके पास हैं उसके बाद हम अपने टेस्ट केसेस उसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास पाथ कवरेज का
अवर हेड है, और यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि हाउ मैनी पास आर देर फॉर एन आइट्रेशन। अगर आपके पास एन आइट्रेशन होती है तो आपको कितने पाथ चाहिए, ये क्वेश्चन आपने फाइंड करना है। तो ये हमने पाथ कवरेज की एक छोटी सी यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल देखी है। अब इसकी मॉडल बेस्ड सोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये अब देखें, ये हमारे इंडस्ट्री के ट्रू प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, डेली रूटीन के, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी मॉडल बेस्ड सोल्यूशन क्या है, कि वी ट्राई टू डेवलप मॉडल ऑफ द सिस्टम। हमें इस सिस्टम के लिए हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक मॉडल डेवलप करना है। वी एनालाइज द करेक्टनेस ऑफ दीज मॉडल्स यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। यानी अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि वी एनालाइज द करेक्टनेस ऑफ दीज मॉडल, जितने मॉडल हैं, यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। यानी इन तमाम मॉडल्स को रन करने के लिए, इन तमाम मॉडल्स को लेजिटिमेट बनाने के लिए हम अपनी डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ मॉडल, के मॉडल क्या है, व्हाई मॉडल रिक्वायर्ड एंड हाउ इट हेल्प अस। के पहले तो आपने ये देखना है कि आपका मॉडल क्या है, फिर हमें मॉडल क्यों, फिर हमें मॉडल क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई मॉडल रिक्वायर्ड एंड हाउ, यानी पहले तो देखना है कि मॉडल है होता क्या है, ठीक है। मॉडल के बाद हमने ये देखना है कि हमें मॉडल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी क्या नीड्स हैं, वो हमें क्यों चाहिए, फिर हमें देखना है कि वो हमारी किस तरीके से उसमें हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हम अभी डिक्स्ट्रास गेम देखेंगे, ठीक है, जितने भी आपकी गेम डिज़ाइन होती हैं, 3D गेम्स हैं और गेम्स हैं, तो ये मॉडल के ऊपर ही बेस कर रही है सारी की सारी। तो यहाँ पे हम अपनी एक डिक्स्ट्रा गेम की एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारे पास मॉडल बेस्ड सॉल्यूशन की बात हो रही थी कि आपकी जो मॉडल बेस्ड सॉल्यूशन है वो क्या है और हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये जो गेम है हमारे पास, कलर ऑफ द लास्ट बॉल। अब हमने फाइंड क्या करना है कि कलर के, अब इसकी जो सॉल्यूशन है हम क्या, हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है कलर ऑफ द लास्ट बॉल, कि जो हमारी लास्ट बॉल है उसका कलर क्या है, ठीक है। हम कहते हैं फर्स्ट बॉल गेम, हम इसमें सपोज करते हैं कि देर इज़ ओनली वन बॉल इन जैर, यानी जो आपका जैर है, जो भी है, ठीक है, जो आपका जाल है उसके अंदर एक बॉल है। सेकंड बॉल गेम हम क्या कहते हैं कि सपोज देर इज़ टू बॉल इन जार, थ्री, या हम थ्री पॉसिबिलिटीज, हम सेकंड की हम जो अपनी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं वो हम ये पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि उसमें हम इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें हमारे पास थ्री बॉल्स हैं, यानी ये हमारी जो सेकंड इसमें अजम्पशंस हैं, ठीक है, वो ये है। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि बोथ वाइट है, बोथ ब्लैक है, या वन वाइट वन ब्लैक है। अब जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या दोनों वाइट हो सकती हैं, या दोनों आपकी ब्लैक हो सकती हैं, या आपकी वन वाइट, या आपके पास वन ब्लैक, यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हमने अपनी थ्री बॉल, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ये मॉडल था टू बॉल गेम का, कि टू के अंदर आपने ब्लैक वाइट कर दिया, वाइट वाइट कर दिया, या ब्लैक ब्लैक कर दिया। अब इसी को हम एनहांस करते हैं, और जब हम अपनी इसकी अनाउंसमेंट करते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट के अंदर आप देखें, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास थ्री बॉल गेम्स हैं, ये तीनों वाइट है, तो ये एक ब्लैक है, फिर एक वाइट है, फिर हम आप ये देखें कि टू वाइट है, और यहाँ पे आपकी क्या चीज़ आ रही है, या तो तीनों वाइट बॉल्स हैं, या टू वाइट और वन ब्लैक है, या वन वाइट और टू ब्लैक है, या आपके पास तीनों की तीनों जो है वो आपके पास ब्लैक है। तो ये आपके पास टू बॉल मॉडल था, टू में आप देख रहे हैं कि ब्लैक वाइट, वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक, जबकि यहाँ पे वाइट वाइट वाइट, और फिर वाइट वाइट ब्लैक, देन वाइट ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और फिर तीनों ब्लैक। तो अब ये जो मॉडल है हमारे पास, यही मॉडल जो आपका है, ये आपका जो है, ये थ्री बॉल गेम्स है। तो अब आप ये देखें कि हम अपने पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स से यूज़ कर सकते हैं अपने इंटीग्रेशन के लिए, अपने लिंकेज के लिए, हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या बात करते हैं, इफ़ इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, अब ये हम उसी मॉडल बेस्ड, अब उसी की सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ़ इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, लॉस्ट बॉल
कलर ब्लैक। अब हम यहाँ पे जो अपनी रिजम्पशन करेंगे, अगर इवन नंबर है वाइट बॉल्स की तो जो लास्ट बॉल कलर है वो आपका क्या होगा, वो आपका ब्लैक होगा। अब इफ ऑड नंबर ऑफ वाइट बॉल, अगर वाइट बॉल आउट नंबर है तो लास्ट बॉल कलर वाइट। अभी हमने दो रूल बना लिए, थम ऑफ रूल्स जो डिफाइन किए हैं वो टू रूल्स क्या डिफाइन किया हमने। फर्स्ट हम रूल ये कह रहे हैं कि इफ इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट बॉल जो कलर है वो आपका ब्लैक होगा। और अगर हम कहते हैं इफ ऑड नंबर ऑफ वाइट बॉल, अगर आपकी जो है वाइट बॉल्स हैं वो आपकी ठीक है, वो आपकी आठ नंबर है, तो लास्ट बॉल कलर क्या होगा, वो आपका आपका वाइट होगा। कैन यू वेरीफाई दिस फॉर 100 बॉल्स इन द जेर आवर हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। अब देखें ये असल फॉर्मल मेथड्स हैं, ये असल स्पेसिफिकेशन हैं, ठीक है। हमने अब जितनी भी पहले मैथमेटिक्स पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हम इसको जब लिंक करेंगे तब आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बेसिक ये कंप्यूटेशन और मैथमेटिक्स पे बेस कर रहा है, ठीक है, ये लॉजिक पे बेस कर रहा है। अब यहाँ पे हमने अगर आप देखें बैक स्लाइड में जाएं, सबसे पहले हमने एक टू कलर बॉल का अपना चेक किया मॉडल। टू कलर बॉल मॉडल में जो भी हमारी नीड्स थी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने उनको देखा। उनको देखने के बाद हमने फिर एक थ्री मॉडल गेम बनाई, और अब हम इसी से हमने अपनी कंक्लूजन निकाली है। और कंक्लूजन हमने ये निकाली है कि अगर इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं तो लास्ट बॉल मस्ट बी ब्लैक होगी, और अगर आठ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं तो लास्ट बॉल आपकी वाइट होगी। तो ये एक कंक्लूजन है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखते हैं कि ये आठ और हमने इवन की बात की है, तो अब हम इसको यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। कैन यू वेरीफाई दिस फॉर 100 बॉल्स इन द जार, अगर उस जार में 100 बॉल्स हो, आवर हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। अब जो हमारा जो हमने अपने रूल बनाया, यदि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास रिसर्च स्टेटमेंट है, ये हमारा रूल्स है, ठीक है, जो हमने रूल डिफाइन किया है, जो हमने अपना हाइपोथेसिस सेट किया है, टू वेरीफाई दिस वी नीड फॉर्मल प्रूफ बिल्ट मैथमेटिकल मॉडल। यानी अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कहते हैं कि दिस वी नीड फॉर्मल प्रूफ, यानी हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए अपना फॉर्मल प्रूफ चाहिए जो मैथमेटिकल मॉडल के लिए हम उसको बिल्ड कर सकें। तो टू वेरीफाई दिस वी नीड फॉर्मल प्रूफ, यानी अब इसके साथ जो हम अपना फॉर्मल प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने मैथमेटिकल मॉडल के साथ बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम इस तरह करते हैं। उसकी क्या नीड्स है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है 100 बॉल्स की, कि अगर 100 बॉल जार में है तो फिर आपकी क्या स्टेटमेंट है, और आपने उसको किस तरीके से वैलिडेट करना है या उसको आपने लेजिटिमेट करना है। अब इसकी यानी अब हमने बेसिकली इन 100 बॉल्स की जो जार है, इसके लिए हमने अपना एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल सेट करना है। वो जो हम अपना मैथमेटिकल मॉडल सेट करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने जितनी भी टेस्ट कंडीशंस हैं, जितनी भी रूल्स हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, अब ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, इसके अंदर इफ़ वी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है, लास्ट बॉल जो लास्ट बॉल है वो आपके पास क्या होगा, वो आपकी ब्लैक होगी। यानी अब हम इसमें ये कह रहे हैं इफ़ इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, अगर आपके पास, अब हम इसी सारे का जो मैथमेटिकल मॉडल है हम वो डिफाइन कर रहे हैं, और उस मैथमेटिकल मॉडल के अंदर हम अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ को फिट इन करते हैं, वो देखते हैं कि अब पहला रूल क्या था कि इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो जो आपके पास लास्ट बॉल कलर है वो आपका ब्लैक होगा, और इफ़ आठ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो जो लास्ट बॉल कलर है वो आपका वाइट होगा। तो अब हम इसको टू ब्लैक आउट वन ब्लैक इन, अब हम यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एक फॉर्मल मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। वो मॉडल क्या है, हम ये कहते हैं कि टू ब्लैक आउट वन ब्लैक इन, ठीक है, ब्लैक माइनस टू प्लस वन, वाइट इज इक्वल टू ब्लैक माइनस वन, और ये वाइट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूल जो चेक लगाया, जो फंक्शन बनाया है ब्लैक और वाइट का, इज इक्वल टू टू वाइट आउट वन, ठीक है, इसमें वन ब्लैक इन और ब्लैक प्लस वन, और हम कामा क्या कह रहे हैं, हम इसको वाइट माइनस टू टू कह रहे हैं। हमारे पास
सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अब इस सेकंड कंडीशन में इन टू केसेस वी रिड्यूस द ब्लैक बॉल बाय वन एंड मेंटेन द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। यानी आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास रूल है, जो हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया है, वो क्या डिफाइन किया है, वो फंक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि इन टू केसेस वी रिड्यूस द ब्लैक बॉल बाय वन, हम इसको रिड्यूस करते हैं ब्लैक बॉल को वन को, एंड मेंटेन द नंबर ऑफ वाइट, और जितने भी आपकी वाइट बॉल्स हैं उन सब के लिए उसको मेंटेन करते हैं। इन थर्ड केस वी रिड्यूस द वाइट बॉल, अब यानी मैं सेकेंड केस में तो हमने क्या किया है, हमने ब्लैक बॉल को रिड्यूस किया है बाय वन, और हम मेंटेन कर रहे हैं जितने भी आपके पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं उन तमाम को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो इन थर्ड केस है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम करते हैं, उसमें हम कर रहे हैं वी रिड्यूस द वाइट बॉल बाय टू, हम उसको रिड्यूस करते हैं टू से, एंड इंक्रीजेस द ब्लैक बॉल बाय वन, हम वाइट को जो है वो हम कम कर रहे हैं और ब्लैक को हम इंक्रीज कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज रिड्यूस बाय एग्जैक्टली वन इन ईच मूव। अब ये एक और कंडीशन है जो बड़ी ही आपके लिए समझना और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जितनी भी बॉल्स हैं, इज़ रिड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन इन ईच मूव, हर मूव में वो एग्जैक्टली आपकी रिड्यूस हो रही है, वो आपकी कम हो रही है वन, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज रिड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन इन ईच मूव, यानी आपकी हर मूव में वो एक कम हो रही है, ठीक है। पैरिटी ऑफ द वाइट बॉल डज नॉट चेंज, अब आपके पास जो पैरिटी है आपकी वाइट बॉल की वो चेंज नहीं होगी, आइदर ज़ीरो आर टू, तो यानी आपकी जो वाइट बॉल है, ठीक है, उसकी जो पैरिटी है वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो ज़ीरो हो या वो टू हो। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल आपका मॉडल है, हम इस मॉडल की बेस के ऊपर अपनी जितनी भी अपनी वैल्यूज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, हम उनको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, उसकी जो इंटीग्रेशन है, जो उसकी मेकिंग है, वो इन रूल्स के ऊपर बेस कर रही है। अब अभी देखेंगे ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, इन रूल्स की मैनिपुलेशन के ऊपर हम अपना मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने अपने टू रूल यूज़ किए, एक में हम उसको रिड्यूस करते हैं, एक में हम उसको इंक्रीज करते हैं, और एट द एंड हम क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज रिड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन इन ईच, हर मूव में एक बॉल कम होगी, और पैरिटी ऑफ द वाइट बॉल डज नॉट चेंज, जो वाइट बॉल की पैरिटी है वो चेंज नहीं होगी, आइदर ज़ीरो। ये अब ये हमारे पास जो है आप देखें ये फोर रूल्स बन गए ना, इन टू रूल्स की बेसिस के ऊपर ये कंडीशन, ये दो कंडीशन है, ये दो रूल्स हैं। तो इन रूल्स और कंडीशन के ऊपर हम अपना ये मैथमेटिकल मॉडल जो हमने ड्रा किया है, हमने जो अपना मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया है, वो हमने अपना इस रूल के ऊपर हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपोजिशनल कैलकुलस, हमने जो प्रोपोजिशन लॉजिक पहले याद होगा पढ़ी होती, और हमने प्रिडिकेट लॉजिक पढ़ी थी, तो अब यही वो चीज़ें अब हमने वहाँ पढ़ी थी, अब हम इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके यहाँ पे केस स्टडी मैच करेंगे, उसको एग्जैक्टली यूज़ देखेंगे कि उसका इंडस्ट्रियल में यूज़ क्या है, उसका लिंकेज क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। टू टूल्स विल बी यूज टू बिल्ड मैथमेटिकल, अब इन मैथमेटिकल मॉडल्स को बनाने के लिए आपको जो है वो हमें क्या क्या चाहिए था, वो हमें प्रोपोजिशनल जो हमने पढ़ा था, और जो हमने अपना प्रोपोजिशन लॉजिक और जो प्रिडिकेट लॉजिक था, बेसिकली वो कैलकुलस ही थे, मैथमेटिक्स था ना, उन रूल्स को अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इस रूल्स और रेगुलेशन की यहाँ पर जो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से होती है, वो भी हम यहाँ करके देखते हैं। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि टू टूल्स विल बी यूज टू बिल्ड मैथमेटिकल मॉडल, फर्स्ट क्या है, लॉजिक एंड सेट थ्योरी। जो फर्स्ट मॉडल है वो आपका लॉजिक है और वो आपकी सेट थ्योरी है, हम ये दो मॉडल यूज़ करते हैं, एक तो लॉजिक और दूसरा हम यूज़ करते हैं सेट थ्योरी। व्हाट इज़ अ प्रोपोजिशन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपोजिशन क्या है, कि स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, एग्जाम्पल माई नेम इज़ अली, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यानी अब ये देखिए कि यहाँ पे जो आपके पास प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो क्या है कि स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि माय नेम इज अली, या तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ए इज इक्वल टू बी ट्रू, यानी इसमें कोई एक कंडीशन होगी, यानी प्रोपोजिशनल का मतलब है आर,
या ये ट्रू है या वो ट्रू है, या ये फॉल्स, ये ट्रू है तो वो फॉल्स है, ये फॉल्स है तो वो ट्रू है, यानी वाइस वर्सा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट अ प्रपोजिशन, यू शुड रीड दिस बुक केयरफुली, ठीक है। लॉजिक इज बिल्ट ऑन प्रपोजिशन, ठीक है। ये जितनी केस स्टडीज देखी है, जो आपको मैंने बुक इसके साथ दी है पीडीएफ, उसको स्टडी करें कि फिर आपको पता चलेगा कि जो लॉजिक है वो सारे का सारा, दैट्स वाई हमने उसको प्रपोजिशन लॉजिक कहा था, ठीक है। तो लॉजिक आपका जितने का जितना है वो बिल्ट किसके ऊपर हो रहा है, वो आपका प्रपोजिशन के ऊपर बिल्ट हो रहा है, दैट्स वाई वी सेड कि वो आपके पास प्रपोजिशन लॉजिक है, ठीक है जी। अब जो हमारे पास बेसिक इसकी इम्प्लीकेशन है वो हम अपने ट्रुथ टेबल के थ्रू करते हैं। लाइक अब आपके पास जो ट्रुथ टेबल है लाइक पी क्यू और पी गोज़ क्यू, अब देखें कि अब ये आपके पास वैल्यू ट्रू है, ये भी, ये अगर दोनों ट्रू हैं तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने इसको यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आपने क्या कर दिया यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, फॉल्स ट्रू आपने ट्रू कर दिया है, फॉल्स फॉल्स आपने ट्रू कर दिया। अगर तो दोनों कंडीशन ट्रू थी तब भी आपने ट्रू किया, अगर दोनों फॉल्स थी तब भी आपने ट्रू किया, ठीक है जी। और अगर इनमें से अगर आपका क्यू फॉल्स है तब भी फॉल्स है, अगर पी फॉल्स है तो तब आपका ट्रू है, ऑनली फॉल्स व्हेन पी टी एंड एफ एफ, अदरवाइज इम्प्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाला है कि जो इम्प्लीकेशन है ये आपकी सिंबल आपका इम्प्लीकेशन का है कि ऑनली फॉल्स पी टी एंड एफ एफ, अदरवाइज इम्प्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू, वरना वो हमेशा ही ट्रू होगी। इफ पी इज ट्रू ऑनली then we can make a statement about q, तब हम अपनी एक q के बारे में भी अपनी statement बना सकते हैं, write कर सकते हैं। if p is false, अगर p false है then we do not need to say anything about q। अब देखें ये हम हमने इस truth table से जो हमने अपनी rules जो cracks find कर रहे हैं जिसके ऊपर ये table बना हुआ है वो समझे आप। पहला तो हमने ये बता दिया, दूसरा हमने क्या कह दिया कि if P is true only then we can make a statement about, अगर वो true है तो फिर हम अपनी statement बना सकते हैं Q के बारे में, और अगर P false है तो फिर हम क्या कहते हैं कि then we do not need to say anything about Q, यानी अगर P true है तो फिर तो हम अपनी Q के बारे में statement बना सकते हैं, और अगर P false है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी Q के बारे में statement बनाने के लिए कि हम किस तरह बनाते हैं। देन हम ये कह रहे हैं ओरिजिनली कंडीशनल स्टेटमेंट इफ आर इफ देन एल्स, तो जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमने इफ और इस इफ पे किया है, ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक है, वो ट्रू है इफ और इफ देन एल्स, इन रूल्स के बेसिस के ऊपर हमने जो अपना एप्लीकेशन टेबल बनाया है, हमने जो अपना ट्रूथ टेबल बनाया है वो ये टेबल बनाया है हमने। नेक्स्ट अब हम बाय कंडीशनल की बात करते हैं। देखें ये था इम्प्लीकेशन, अब इम्प्लीकेशन के बाद हम अपनी क्या बात करते हैं, हम अपनी बाय कंडीशनल की बात करते हैं कि बाय कंडीशनल के अंदर क्या हो रहा है। बाय कंडीशनल हम क्या कहते हैं कि इफ एंड ओनली इफ, अब पी देन क्यू, अब ये क्या है, ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ के बारे में है, और ये सिंबल क्या था, ये इम्प्लीकेशन है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि P यानी इफ एंड ऑनली इफ, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये दोनों ट्रू है तो ये आपके पास ये कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, ये कि ट्रू है तो Q फॉल्स है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, या फॉल्स फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, फॉल्स ट्रू, और ये वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स। अब यहाँ पे हम अपने डिफरेंट रूल देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं जिन रूल्स के ऊपर हम मैनिपुलेट करके इसको लिंक करते हैं। पहले क्या कहते हैं हम, पी मीन्स पी जो है पी इफ एंड ओनली इफ मीन्स पी इफ पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू पी आउटकम इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आउटकम इज ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव द सेम वैल्यूज। देखिए अगर पी और क्यू की सेम वैल्यूज हैं तो फिर आपके पास जो है आउटकम इज ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव द सेम वैल्यू। अब यहाँ पे देखें अगर ये दोनों आपकी सेम वैल्यूज थी पी और क्यू तो ये ट्रू है, ये दोनों सेम, हम सेम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम ट्रू की बात नहीं कर रहे, हम सेम अगर टी टी है तो वो सेम वैल्यूज है, एफ एफ सेम वैल्यूज है। अब देखें यहाँ पे ये पी भी टी था क्यू भी टी था तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, आपके पास ट्रू आ गई। यहाँ पे आपका
पास ये पी बी टी था, ये क्यू बी एफ था, तो यहाँ पे क्या आ गई, फॉल्स आ गई। ये भी एफ था, यहाँ पे क्या आ गई, आपके पास ट्रू आ गई, ठीक है। ये भी फॉल्स था, ये टी था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू, आउटकम इज ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव द सेम वैल्यूज। अगर वो सेम वैल्यूज रखती हैं तो फिर हम उसको कहेंगे। और नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ पी एंड क्यू डू नॉट हैव सेम वैल्यूज देन बाय कंडीशनल इज नॉट ट्रू। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट रूल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो हम क्या कहते हैं कि अगर पी और क्यू डू नॉट हैव द सेम वैल्यूज, अगर वो दोनों की सेम वैल्यूज नहीं है, तो हम देन क्या कहते हैं कि देन बाय कंडीशनल इज नॉट ट्रू। तो जो आपके पास बाय कंडीशनल है वो देन वो भी ट्रू नहीं होगा। कंपेयर इट विद एक्सक्लूसिव और, देखिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट थर्ड रूल है, कैन बी यूज फॉर इक्वल स्टेटमेंट। अब हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने इक्वेशन टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना एक्सक्लूसिव आर यूज़ करते हैं। तो ये टेस्ट एंड कंडीशन थी आपकी बाय कंडीशनल के लिए। नेक्स्ट हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी टटोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब टटोलॉजी जो मैंने डिस्कस किया था कि ये एक आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ठीक है। मैंने इसलिए आज इसको दोबारा फिर आपको क्विकली इसका रिव्यू करवा रहा हूँ, ताकि अभी जो हमारी अगली टेस्ट केसेस हैं, जो जो एग्जांपल्स हैं, वो फिर इन पे बेस कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं अभी तक एक दफ़ा रिवाइज किए, तो फिर आपको फिर आप वो सारी चीज़ें भूल चुके होंगे। तो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंप्रोमाइजिंग प्रपोजिशन। अब आप ये देखें कि पी, ठीक है, ये सिंबल है आपका, और ये आपके पास जो है सिंबल है टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी डिफरेंट कंट्राडिक्शन की बात करते हैं, अपोजिट टू जो है टेक्नोलॉजी, जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये उसके अपोजिट है। प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स, जो आपकी प्रपोजिशन है जो आपकी हमेशा फॉल्स होती है, पी एंड पी आउटकम ऑलवेज फॉल्स, वो आपके पास जब भी आता है फॉल्स आता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू प्रूव द थ्योरम, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट थ्योरम्स को मैथमेटिकल जो है वो प्रूव कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब इसकी क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हाइपोथेसिस एंड देन वी कैन शो दैट इफ वी कैन अज्यूम समथिंग दैट एंड अप इन अ लॉजिकल कंट्राडिक्शन एंड हेंस द हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट एल्स वी कैन प्रूव इट, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो यही कह रहा है कि वी कैन टेक अ हाइपोथेसिस, हम एक हाइपोथेसिस ले सकते हैं, एंड देन वी कैन शो दैट, हम तो शो कर सकते हैं, इफ वी कैन अज्यूम समथिंग, अगर हम कोई चीज उसमें अज्यूम कर सकते हैं, कुछ अपने अजम्पशन ले सकते हैं, एंड दैट एंड अप इन अ लॉजिकल कंट्राडिक्शन। अब वो जो आपके पास एंड अप हो रहा है वो एक आपके पास लॉजिकल आपके पास जो है वो कंट्राडिक्शन है, एंड हेंस द हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट, एंड हम इसको इस तरीके से जो है वो मैथमेटिकल भी बैठ के जो प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप ये देखें कि इसमें जो आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंस की जो एग्जांपल है वो क्या है कि द प्रपोजिशन पी एंड क्यू आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ पी अप्लाइज क्यू इज टॉलोजी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस है, जो हमारे पास प्रपोजिशन है पी और क्यू की, वो हम लॉजिकली इक्विवेलेंट हम उसे कह सकते हैं इफ पी क्यू इज, अगर P और Q आपकी टॉटोलॉजी है तो हम उसको लॉजिकल इक्विवेलेंस कह सकते हैं। इट इज़ रिटन एज, हम उसको लिख सकते हैं P Q फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेमी कॉलन P R Q, ठीक है, नॉट इक्वल टू P एंड Q, ये आपके पास डी मॉर्गन लॉज है। आप इस डी मॉर्गन लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस थी जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपकी लॉजिक पजल है। लॉजिक पजल जो है वो हम देखते हैं द आइलैंड ऑफ नाइट्स नेव्स, ठीक है,
अब ये एक पूरी जो हमने जितनी चीज़ें भी देखी है, अब ये उसकी डिफरेंट लाइफ आपकी गेमिंग की एग्जांपल्स हैं, इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं और चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, द आइलैंड ऑफ नाइट्स नेव्स टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंट, ठीक है। अब ये हम अब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के रेजिडेंट हैं, एक नाइट्स है एक नेव्स है। दे हैव सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, वो कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। नाइट्स क्या है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, जो नाइट्स हैं वो हमेशा ट्रूथ बोलेंगे। नेव्स ऑलवेज स्पीक लाइज, जो नेव्स हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं। बेस्ड अपॉन दीज इंफॉर्मेशन वी नीड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। अब ये असल फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन है। पहले आप कह रहे थे कि अब देख रहे थे कि जी इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टफ कोर्स हो रहा है। टफ क्यों हो रहा था, कि उसमें हम रूल्स पढ़ रहे थे, हम चीज़ें देख रहे थे मैथमेटिकल, कि भाई ये मैथमेटिकल मॉडल्स है, ये एक्सप्रेशन है, ये ऑटोमेटा है, दैट्स वाई हमें टफ लग रहा था। अब हम जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो अब आपको और इंटरेस्टिंग लगे। इसके लिए कंडीशन वही है, पुराने लेक्चर समझ होंगे तो ये बात समझ आएगी आपको। अगर आपको इसके रूल्स और रेगुलेशन समझ नहीं आए, इसलिए आपको ये लेक्चर बार बार सुनने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, दैट्स देन आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अब ये जो गेम है हमारे पास, हम अब इसको इसके रूल्स डिफाइन करते हैं, कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें इसमें गिवन है कि नाइट्स क्या है वो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ है, और नेव्स जो है वो ऑलवेज जो स्पीक लाए हैं। अब हमने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अभी वो देखते हैं कि उनकी सोल्यूशन किस तरीके से है और वह प्रॉब्लम किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। लॉजिक प्रॉब्लम ऑफ द डे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लॉजिक जो आज का प्रॉब्लम है, सम वन आस्क पर्सन ए, एक बंदा, एक पर्सन ए है, कुछ भी, जायद है, नासिर है, ठीक है, जुनेद है, ठीक है, नहीं ठीक है, जैन है, ठीक है, आर यू नाइट, क्या तुम नाइट। अब नाइट की क्या डेफिनेशन है, कि नाइट हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, ठीक है। वो अब उसका रिप्लाई क्या है, कि ही रिप्लाइज If I am a knight, then I will eat my hat. अब ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर मैं नाइट हूं तो मैं अपनी जो हैट टोपी है वो खा जाऊंगा। अब ये बड़ी ही क्लियर, अब आपने हमें ये भी पता है कि भाई नाइट सच बोलता है, वो तो झूठ ही बोलता। अब प्रूव दैट ए हैज टू ईट हिज हैट। अब इस तरह की लॉजिकल पे आपके पेपर में आ सकती है चीजें, आपके मिड टर्म में आ सकती है, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, ये जितनी भी हम आईफोन की गेम्स आजकल बन रही हैं और HTC को लोग उसमें डॉलर्स बिलियंस अर्न कर रहे हैं, ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये आपकी CSE है, और ये आपके लॉजिक्स हैं जिसके ऊपर गेम्स बनते हैं। असल तो लॉजिक डेवलप करना है ना, कोडिंग तो कोई भी कर सकता है लेकिन लॉजिक असल डेवलप करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रूव दैट ए हैज टू ईट, ठीक है, अब ये हम प्रूव करना है कि वो अपने, ठीक है, प्रूव दैट ए हैज टू ईट हिज हैट। यूज द लॉजिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब आपने लॉजिक यूज करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन, देन हाइपोथेसिस इज रिक्वायर्ड। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो देखें। हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन, देन हाइपोथेसिस इज रिक्वायर्ड। फिर आपको जो हाइपोथेसिस है वो आपको चाहिए। थिंक दैट व्हाट डज दिस मीन दैट पर्सन ए मेक अ स्टेटमेंट एस ऑन आइलैंड। भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें सोचे, थिंक दैट व्हाट डज दिस मीन दैट अ पर्सन ए मेक अ स्टेटमेंट एस on island. If person A is knight, then statement S is true, else false. Very good. हम यहाँ क्या बात करते हैं, If person A is knight, then statement जो आपकी statement है is true, else false. अब think what does this mean if person A makes a statement S on island. अब ये देखें, यहाँ पे हमने इसके rules बनाए थे, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, इफ इफ अ पर्सन ए इज नाइट देन स्टेटमेंट एस इज ट्रू एल्स फॉल्स, ठीक है जी। तो ये एक इशू था। अब हम इसी इशू को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी अब ये अभी ये हमारी एग्जांपल पूरी नहीं हुई। टू, अब इसकी टू सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। एक तो हमारे पास ट्रूथ टेबल है और दूसरी हमारे पास लॉजिकल
डिडक्शन रूल है। हम इस तरह की स्टेटमेंट्स को दो मेथड से जो है वो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो यूजिंग ट्रूथ टेबल्स है, और जो सेकंड है वो लॉजिकल डिडक्शन रूल है। हम इन रूल्स की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। फर्स्ट कन्वर्सेशन में हम क्या कहते हैं कि टू प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड, कि ए इज अ नाइट कॉलन ए, ए ईट्स इज हैट कॉलन एच। इसको हमने ए को नाइट को ए कह दिया है और हैट को हमने कह दिया एच कह दिया है। इफ इफ आई एम अ नाइट देन आई विल ईट माई हैट, ए इम्प्लीकेशन एच। वी हैव सीन दैट एक्स इफ ऑन अली इफ एस बोथ हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज, देयर फॉर ए विच इफ ऑनली एंड इफ ए एप्लीकेशन एच। ठीक है, ये हमारे पास हम जो अभी तक डाटा है हम उस डाटे से जो कंक्लूड कर रहे हैं, जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो ये अपनी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब हम इसी को अपने ट्रूथ टेबल के साथ जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक तो ट्रूथ टेबल्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, लॉजिकल डिडक्शन रूल है। अब जो ट्रूथ टेबल है उसमें क्या है, हमारे पास ए एच ए इम्प्लीकेशन एच, ए इफ ऑनली इफ, ठीक है, ए इम्प्लीकेशन एच। अब ए एच और ये ए इम्प्लीकेशन एच आ गया ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू, फॉल्स ट्रू तो क्या आ गया ट्रू, ट्रू फॉल्स तो क्या आ गया फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो क्या आ गया ट्रू। ये हमने अपना जो ट्रूथ टेबल है उसके थ्रू हमने जो अपनी वैल्यूज फाइंड की है वो ये वैल्यूज फाइंड की है। अब हम इसको यदि ये देखें, पहले आपके पास ए एच और ए एच था, अब आपने इस वैल्यू को यानी हमने इसको पिक किया है और इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यानी आप बैक करें कि जो ए एप्लीकेशन एच था हमने इसको पिक किया है और हम इसको कहाँ लेके आ रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि ए, ठीक है, ए एप्लीकेशन एच और ए इफ एंड ऑनली इफ एंड ए एच। आप देखें ट्रू ट्रू तो ये वैल्यू आ गई ट्रू, देन फॉल्स ट्रू तो वैल्यू आ गई फॉल्स, ट्रू फॉल्स वैल्यू आ गई फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो वैल्यू की फॉल्स। जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू थी तो उसका आंसर आपके पास क्या आ गया, उसका आंसर आपके पास आ गया ट्रू आ गया। देन अब हम देखते हैं इफ अनदर एच हैविंग ट्रू रिजल्ट बट विद फॉल्स वैल्यू देन। अब हम यहाँ पे ए एच ए एप्लीकेशन एच को देख रहे हैं और ए इफ एंड ऑनली इफ और ए एप्लीकेशन एच को देख रहे हैं, तो अब हम ये क्या कहते हैं ट्रू 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 और ये आपके पास ट्रू आ गया, देन फॉल्स ट्रू ट्रू ये फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स आ गया। अब हमने इसको इस वैल्यू को हम इसके साथ मैच कर रहे हैं, यानी ये और ये हम देख रहे हैं कि ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। इफ अनदर एच हैविंग ट्रू रिजल्ट बट विद फॉल्स वैल्यू देन, हम तब इसको क्या कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या था कि एनी प्रॉब्लम विद द ट्रूथ टेबल परफॉर्म गुड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इज स्मॉल। देखिए अब हमारे पास हमने क्या कहा था, इस स्लाइड में अगर आप वापस जाएं तो हमने कहा था कि हमारे पास टू रूल्स हैं, ट्रूथ टेबल और लॉजिकल जो है दूसरा रूल क्या है, लॉजिकल डिडक्शन रूल है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसके जो है एनी प्रॉब्लम विद द ट्रूथ टेबल, कोई भी जो प्रॉब्लम है वो कहा कि परफॉर्म गुड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इज स्मॉल बट इफ द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इज लार्ज देन। देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आ रही है हम क्या कहते हैं कि ये तब अच्छा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशन कम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोपोजिशन लार्ज है, तो फिर क्या है, इन ट्रूथ टेबल नंबर ऑफ रोज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, के जो आपके ट्रूथ टेबल हैं जो उसमें आपकी नंबर ऑफ रोज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर, आपके कितने वेरिएबल्स हैं। इफ वी हैव टू वेरिएबल देन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनदर मेथड इज टू बिल्ड लॉजिकल आर्गूमेंट यूजिंग डिडक्शन रूल्स। तो अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है, यानी अब यहाँ पे देखें हमने दो रूल्स प्री डिफाइन किए हैं। जो फर्स्ट रूल हमने प्री डिफाइन किया वो क्या कहते हैं हम कि परफॉर्म गुड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इज स्मॉल, जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इज स्मॉल है तो आप इसको तक आप यूज़ करें, बट इफ द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इज लार्ज, अगर वो लार्ज है तो उस केस में फिर आप क्या करें, ठीक है, तब
इन ट्रुथ टेबल नंबर ऑफ रोज, जितनी भी आपकी ट्रुथ टेबल है उसमें जो आपकी नंबर ऑफ रोज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यानी जितने आपके वेरिएबल्स हैं उतनी ही जो आपकी नंबर ऑफ रोज है वो उस पर डिपेंड करती है. इफ वी हैव टू 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 इफ वी हैव टू वेरिएबल देन फिर क्या होगा. अदर मेथड इज टू अ बिल्ड लॉजिकल आर्गूमेंट यूजिंग डिडक्शन रूल्स. अब हमारे पास और मेथड भी है जिसमें हम अपने लॉजिकल आर्गूमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने डिडक्शन रूल्स के लिए. तो ये जो आज का लेक्चर था हम ठीक है, हम इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहीं से हम इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री की लिंक करेंगे. तो फिर अब आपको फॉर्मल मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन भी पता चलेगी, वो भी जाना शुरू हो जाएगी कि हम उसको कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उसके उसके एडवांटेजेस क्या है. तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.